और हम जा रहे हैं खाना मांगने के लिए। हमारा खाना का आइटम देख सकते हैं, आज पनीर है और ये मटर तो आ ही गया बाजार में, तो मटर भी ले लिए हैं। मटर पनीर आज बनाने का प्लानिंग है। दोस्तों आज पहली बार हमारा गाड़ी में जो है फ्राइड राइस बनाए हम लोग। फ्राइड राइस। अभी थोड़ा देर पहले कॉल आया जो सेठ जी अपने गाड़ी का, तो वो बोल रहे कि जो गोडाउन में अभी हम लोग हैं वहीं से आपका लोडिंग का बात हुआ है, सराई पाली का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 11 बज रहा है और हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, और कारण ये क्या था कि हम चले गए थे घाट में, जो छठ घाट हम लोग का है, हम लोग वहीं चले गए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा, सुबह सुबह उठ के चले गए थे वहाँ पर और काफ़ी भीड़ भाड़ था, तो हम शांतिपूर्वक सब त्यौहार बीत गया। कल का भी शाम का भी अर्घ हो गया, अभी सुबह का भी हो गया, तो काफ़ी दिन बाद हमको ऐसा हुआ कि हम यहाँ पर खड़ा होकर छठ घाट पर जा करके है। ऐसे रामगढ़ में रहते तो होता ही, लेकिन रामगढ़ में तो नहीं है हम। आप लोग पिछला ब्लॉग से देख ही रहे कि हम लोग 2-3 दिन से भी यहीं पर है, रायपुर में ही है, और त्यौहार भी आज खत्म हो गया छठ का, तो ट्रांसपोर्ट से भी हमारा बातचीत चालू हो गया है। तो सब कोई वो यही चीज़ बता रहा है कि 2-4 घंटा रुक जाओ, क्यों आज तो खत्म हुआ है तो सबको वापस आने दो ड्यूटी में, तो फिर क्लियर करते हैं। तो हो सकता है आज हमको शाम तक कहीं ना कहीं लोडिंग का ऑर्डर मिल जाएगा और कल हम लोग लोडिंग के लिए जा सकते हैं, या हो सकता है आज बोलेगा कोई इमरजेंसी माल होगा तो आज भी लोड हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज दिन भर में अपना कहाँ का लोडिंग मिलता है, क्या होता है। दोस्तों अभी 12 बज चुका है और हम जा रहे हैं खाना मांगने के लिए। तो हमारा खाना का आइटम देख सकते हैं, आज पनीर है और ये मटर तो आ ही गया बाजार में, तो मटर भी ले लिए हैं। आज पर मटर पनीर आज बनाने का प्लानिंग हुआ है, तो वही आज जा रहे हैं बनाने के लिए। ये देखिए हमारा सब चीज रेडी है, चलते दोस्तों बनाते हैं मटर पनीर। दोस्तों ये पनीर तल के निकाल लिए हैं, ये देख सकते हैं, अब जा रहे हैं तरी हम बनाने के लिए इसका। उसके बाद तरी बन जाएगा तो फिर इसको उसमें डालना है। दोस्तों देखिए इसमें टमाटर भी थोड़ा लगता है ज़्यादा, तो उसका तरी भी बनेगा, तो टमाटर को एकदम बारीक बारीक काटा जा रहा है छोटा छोटा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं वैसा, तो चाकू से ही बारीक बारीक काट लेते हैं, इधर अपना सहूलियत हो जाता है। ये देखिए मेरा प्याज भी लगभग होने ही वाला है, अब इसमें क्या ना, अब मटर डालेंगे, मटर को भी थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद अपना तरी बनाएंगे इसका। दोस्तों अभी तो सेठ जी का ही कॉल नहीं आया, और एक दो जगह और ट्रांसपोर्ट हम भी कॉल किए थे, तो बोला कि हाँ मार्केट तो खुल गया है, लेकिन यही होता है कि जैसे आज ही तो छठ खत्म हुआ, तो हो सकता है कि आज सब ड्यूटी में आ जाएगा, लोडिंग का ऑर्डर मिल सकता है हमको, लेकिन शाम तक मिलेगा तो आज लोडिंग नहीं, लोडिंग का तो कल ही का बात होगा फिर, क्यों आज तो ड्यूटी में कोई आएगा नहीं, सब प्रसाद बांटने वोटने में चला जाता है इधर उधर, तो उसके लेकर के जो भी होगा मतलब शाम तक ऑर्डर मिल ही जाना हम लोग को। ऐसे ही सेठ जी बोले कि नहीं शाम तक आज हो जाएगा कुछ ना कुछ अपना। मटर भी भून चुका है, अब चले इसे मसाला डालने के लिए। दोस्तों ये भी थोड़ा मसाला है, इसको पनीर मसाला बोलते हैं, इसको थोड़ा डाल देते हैं, अब मसाला ही भून जाएगा, मटर ही भून जाएगा, दोनों ही भून जा रहा मेरा। दोस्तों ये देखिए मेरा तरी लगभग बन चुका है, मेरा तरी जो है पूरा ही बन गया, अब इसमें जाएंगे पनीर डालने के लिए। ये देखिए हम चले इसमें पनीर डालने, दोस्तों अभी अपना सब्जी तो बन गया। दोस्तों मेरा सब्जी देखिए बन चुका है, बहुत ही तगड़ा बना है एकदम, ये देखिए पूरा एकदम मटर पनीर, थोड़ा सा मटर थोड़ा सा और होना चाहिए था, ये भी ठीक है क्योंकि मटर हम लोग लाए थे तो उसमें थोड़ा बच गया था, तो मटर तो जल्दी खराब हो जाता है, तो वही बचा हुआ मटर था, तो हम पनीर ले आए, मटर पनीर दोनों एक साथ में कर दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों मेरा बन गया, अब दूसरा आइटम चल रहा है बनाने के लिए। और आज तो दोस्तों थोड़ा अलग सोच रहे, जैसे ये चावल है इसको पहले बना लेंगे, उसके बाद पापा बोल रहे कि भूंज लेंगे ना इसको, ऐसा करके फ्राइड राइस जैसा हो जाएगा, फ्राई कर देंगे इसको, क्योंकि ये मटर पनीर जो सूखा बना है, अगर हमको ज्यादा गीला बनाएंगे तो फिर मटर पनीर का मजा नहीं आता है, तो प्लानिंग तो हुआ है कि चलो इसको सूखा टाइप का बना करके और उसके बाद इसको खाएंगे साथ में हम लोग। चलिए सब्जी अपना दोस्तों वहां रख लिए, अब जा रहे पापा ये चावल बनाने के लिए, इसको पहले धोना पड़ेगा, पानी तो है यहाँ। दोस्तों अरवा चावल जो है वो फिक्स बनता है, तो ये फिक्स ही बनाते हैं, इसमें पे नाप के बनाना पड़ता है। ये चावल अगर 1.5 गिलास दिए हैं तो कम से कम 3 गिलास पानी होना चाहिए। ये देखिए ये हमारा नापी है, यही नापी है, ये फिक्स होता है, थोड़ा बहुत घटता उड़ता है तो आदमी ऊपर से भी डाल लेता है, इतना कोई जरूरी नहीं है। अभी 1.5 गिलास में 3 गिलास पानी, और उसके बाद हम चढ़ा देंगे, 3 गिलास डाल दिए हैं,
दोस्तों ये चावल में पानी वगैरह सब डाल के रेडी है मेरा, अब इसको चढ़ा देते हैं इसमें। अब इधर तब तक धीरे धीरे होते रहेगा, तब तक इधर इसका प्याज और टमाटर ये सभी काटना है। मिर्चा इसमें लंबा ही लंबा रहेगा, पूरा बाइक नहीं करता तो सागर वो सभी काट पीट करेगा अभी। दोस्तों अभी हमारा चावल बन चुका है, तो चावल को क्या कर रहे हैं अभी इसमें निकाल ले रहे हैं, तो भूंजना पड़ेगा ना, तो इसमें कढ़ाई में तो अपना सब्जी रखा हुआ है इसी को लेकर इसमें भूंज लेंगे। तो ये तो पूरा भर गया, इसलिए जो थोड़ा सा बचा हुआ है प्लेट में डाल ले रहे। दोस्तों देख सकते हैं मेरा चावल पूरा अच्छी तरह से हो गया फ्राई, और डायरेक्ट चावल डालने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ी कर डालेंगे, क्योंकि मिलाने में फिर बनेगा नहीं, ज्यादा भर जाएगा तो मिला नहीं पाएंगे। दोस्तों अभी खाना बना ही रहे थे बैठ के, हमारे सेठ जी आ गए हैं और कुछ ऑर्डर लगता लेके आए हैं, पूछते हैं इनसे बताइए कहाँ का ऑर्डर, मंडी खुला है तो ऑर्डर कुछ हुआ अभी, ये लोकल का ही कर ले और कुछ लोकल का मैंने एक दो दिन और समय लगेगा सुधरने में। अरे तो सुधरने में वहाँ से भी लोड करके आएगा, अच्छा वहाँ से अपना कुमकरी से या वगैरह से माड़ आ जाएगा, खड़े रहने में क्या फायदा है। तो यहाँ से बता रहा है जसपुर का, चलिए ठीक है, नहीं होता फिर यहाँ से जसपुर भर लेते हैं, फिर वहाँ से रांची वगैरह से भी हो जाएगा कुछ ना कुछ, आज हो जाएगा लोड, आज हो जाएगा अपना निकल जाएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, प्लानिंग बनाते हैं कहीं ना कहीं का करते हैं फिर। दोस्तों अभी 3 बज चुका है, देख सकते हैं दोस्तों मेरा सारा चीज कम्प्लीट हो चुका है, अब चले हम लोग खाने के लिए। तो मटर पनीर का सब्जी देख सकते हैं, कोई एकदम सूखा टाइप का बनाया है, रोटी पूड़ी के साथ खाया जा सकता है ये, रात में देखते हैं क्या पूड़ी के साथ खाएगा। दोस्तों आज पहली बार हमारा गाड़ी में जो है फ्राइड राइस बनाया हम लोग, फ्राइड राइस बनाया पहली बार। पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत बच जाता था ना, तो हम लोग ऐसे ही फ्राई करके हम लोग खा लेते थे, इस बार चेंजिंग कर दिए क्योंकि हम लोग सब्जी देखिए सूखा सब्जी बना है, तो उसके लेकर दाल उल बना नहीं हम लोग, समय भी 3 बज गया, तो उसके लेकर देखिए सुबह हम कोई पहली बार खा रहा है ये, तो कैसा लग रहा बताओ बाबू। गाड़ी में पहली बार खा रहे, घर में खाया है ऐसा। तो घर में खाया तो शुरू से बनाया है कि बचा हुआ कभी फ्राई किया है? नहीं बनाई है मम्मी, बनाई है ना, तो देखो बताओ टेस्ट बताओ। अच्छा लग रहा पनीर का सब्जी, देखो खा के बताओ। हाँ ठीक है ना, पास है ना। ठीक है दोस्तों हम लोग चले खाने के लिए। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा लेट ही गए थे, उसके बाद अभी थोड़ा देर पहले कॉल आया जो सेठ जी अपने गाड़ी का, तो वो बोल रहे कि जो गोडाउन में अभी हम लोग हैं वहीं से आपका लोडिंग का बात हुआ है सराई पाली का, तो अभी जा रहे 3 नंबर गेट पे, शायद अपना लोड होगा, तो अभी पूछने के लिए जा रहे कि अभी लगा दे कि बाद में लगाएंगे ऐसा करके। चलिए लेकिन एक चीज़ अच्छा है, अगर यहीं से लोडिंग हो जाएगा तो हम लोग कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 नंबर गेट कौन सा है? 3 नंबर गेट वो वाला, ये लोडिंग का होता है तो आप लोग खुद बुलाने आते हैं? ठीक है गाड़ी का नंबर आएगा तो बस बता दीजिएगा। दोस्तों अभी ये लोग तो बोल रहे हैं कि आपका गाड़ी का अभी नंबर आया नहीं है, अगर नंबर आएगा तो हम लोग आपको खुद बुला लेंगे। तो ये देखिए गाड़ी तो अपनी यहीं पे खड़ी है, तो इंतजार करते हैं उनका बुलाने का, बुलाएंगे तो फिर हम लोग लोड करके यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों हम लोग लोकल भी भर लेते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, 150 किलोमीटर का जहाँ बता रहे सरायपाली, यहाँ से 150 किलोमीटर है, वो जीटी अपना जीटी रोड में है कलकत्ता रोड पे, तो क्या है कि खड़ा खड़ा बैटरी भी चार्ज हो जाएगा मेरा और कुछ अपना पैसा भी बन जाएगा, सेठ का भी बन जाएगा, मेरा भी कुछ बन जाएगा, तो वो तो ठीक रहेगा क्योंकि एक थोड़ा रनिंग हो जाएगा गाड़ी का। तो देखते हैं अभी, बोले तो है कि 3 नंबर गेट से लोडिंग है अपना, अब कब तक है क्या अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बोले तो हो जाएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है क्योंकि कल फिर अपना दूसरा माल देख लेंगे। दोस्तों अब हमारा गाड़ी जा रहा है लोडिंग पॉइंट में लगने के लिए, देख सकते हैं इधर साइड लगाना है। दोस्तों गाड़ी तो लोडिंग पॉइंट में लगा दिए हैं और अपना माल तो सरायपाली का लोड हो रहा है अभी लोकल ही, और एक जगह और बात चल रहा है, अगर वो माल का लोडिंग देगा तो खाली करके उधर से उधर जा सकते हैं हम लोग, तो फिर वापस आना पड़ेगा हमको यहीं पे। तो ठीक है दोस्तों देखते हैं कितना देर में लोड कर देता है अभी। दोस्तों अभी अपना गाड़ी तो लोड होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए आधा लोड हो गया है, बस आधा बचा हुआ है, ये भी हो जाएगा 1 घंटे के आसपास। दोस्तों हमारा गाड़ी लोड हो गया है, अब देखिए हम जा रहे हैं गेट लगाने के लिए।
दोस्तों रात के 12 बज चुका है, हम लोग आरंग आ चुके हैं और यहाँ जादू तो है नहीं, तो अब यहाँ पर एक दो चार अंडा सो लेते हैं क्योंकि मेन रोड पर जगह मिलता नहीं ढंग का, कहाँ रुकें कहाँ नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामने गार्ड भी बैठा हुआ है, ये देखिए सामने गार्ड है, यहाँ और सब गाड़ी लगा हुआ, पार्किंग भी है भारत का, बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो ठीक दोस्तों यहाँ सोते हैं, फिर यहाँ सुबह उठ के चलेंगे हम लोग, 4 बजे नींद तो खुली जाता है ऐसे भी, और ये 4 लाइन है, सफर जल्दी कट जाता है इसमें। दोस्तों हम लोग का देख सकते हैं बिस्तर लग चुका है, ये हमारा जगह, ये सुबह हम रेडी है अभी और सिटी से बाहर आ गए हैं, रात के 12-1 बज रहा है तो ठंडा थोड़ा सा आ ही जाता है। तो देख सकते हैं सुबह हम चादर ओढ़ के सो गया और वहाँ सागर का जगह पीछे है। ठीक दोस्तों सोते हैं, सुबह मिलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का 7 बज चुका है और हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं, यहाँ से अभी 10-12 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो इतना सुबह तो खैर पार्टी फोन नहीं उठा रहा, अभी हम कॉल किए थे फोन नहीं उठाया था, ऐसे भी वो लोग 9-10 बजे फोन उठाता है। ठीक है दोस्तों जाते हैं, सरायपली पहुँचते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से कॉल करेंगे, 9 बजे कॉल करेंगे, तब तक हो सकता है फोन उठा ले मेरा। जाइए, ठीक है जाइए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जाना है, अभी करीब 3 किलोमीटर बचा है, बस 3 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे। दोस्तों हम लोग पुराना रोड जो था पहले का 6 नंबर हाईवे रोड, देखिए वही रोड पे आ गए हम लोग, और यही साइज का रोड था पहले, 4 लाइन वगैरह था नहीं, तो अभी तो बाईपास निकाल दिया, 4 लाइन उसमें चला गया, तो हम लोग आए पुराना रोड पे, पहले इसी में समा जाना था और आगे बॉर्डर था और काफ़ी ज़्यादा जाम उम लगता था, पहले बॉर्डर यहीं पे था सरायपाली मोड़ पे ही, अगर बाया घूम जाएंगे तो रायगढ़ के लिए चल जाते हैं और सीधा उड़ीसा के लिए। तो हम लोग पहले काफ़ी यहाँ पे जाम जूम में फड़ा रहते थे, अभी इधर आ रहे हैं तो पुराना दुकान वगैरह मिल रहा था, सब याद आ रहा है हमको, अब तो इधर आना ही छूट गया क्योंकि जो भी गाड़ी आ रहा है सब बार बार चला जा रहा है, तो बाहर से गाड़ी जाने का मतलब है कि थोड़ा सा रौनक भी चेंज हो जाता है। देखिए कितना फाँका फाँका लग रहा है, तो बहुत सा दुकानदार है कि गाड़ी वाला लेके ही दुकान खोलता है लेकिन बाद में बाईपास बन जाता है तो लगा अलग तकलीफ हो जाता है कि भाई गाड़ी सब निकल जा रहा है उधर से। अब सामान वगैरह कभी सब बिक्री वगैरह, हम लोग राशन लेते थे सब्जी लेते थे रोक करके, तो वो चीज़ अभी नहीं हो पा रहा है इधर। ठीक है दोस्तों ज़्यादा दूर तो है नहीं, अब पहुँचते हैं जगह पर। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सरायपाली और गाड़ी भी खड़ा कर दी है, पार्टी जहाँ पर बताया था वहीं पर आ गए हम लोग, तो अब देखते हैं, बोले कि आते हैं 10-15 मिनट में आते हैं, तो आते हैं तो वो यहाँ पे लगाएंगे खाली करने के लिए। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा यहाँ के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इधर कहीं से माल हो जा रहा है या रिटर्न फिर रायपुर जा रहे हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा ये सब। दोस्तों इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।